हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम मैट्रिक्स के आगे के प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, फॉर द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 5 6 7 वेरीफाई दैट ए प्लस ए डेज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेकेंड दिया हुआ है ए माइनस ए डेज इज अ स्क्यू मैट्रिक्स। ठीक है, हम लोग डेफिनेशन से जानते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। अगर किसी मैट्रिक्स ए का अगर ट्रांसपोज निकालूं, अगर ये दोनों बराबर आ जाती है, क्या होता है मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। और अगर किसी मैट्रिक्स का ए निकाल रहे हैं उसका ट्रांसपोज जो है वो नेगेटिव साइन के साथ आ रहा है। ठीक है, तो ये होता है स्क्यू मैट्रिक्स। ठीक है, तो जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो पहला कुछ निकालते हैं। सबसे पहले ए प्लस ए डेज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है, ए प्लस ए डेज, तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स जो दिया है 1 5 6 7 का हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए डेज। तो इसका ए डेज हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, 1 को यहाँ एज इट इज लिख दिया, 5 को यहाँ लिख दिया, 6 को यहाँ लिख दिया और 7 को यहाँ। अब ये क्या हो गया मेरा ए डेज। अब क्वेश्चन के हिसाब से क्या हो, ए प्लस ए डेज निकालना है, तो क्या हो जाएगा 1 5 6 7 प्लस 1 6 5 और ये 7। ठीक है, इनका सिंपली एडिशन 1 प्लस 1 2, 5 प्लस 6 कितना 11, 6 5 11, 7 7 14, ये निकल गया तेरा ए प्लस ए डैश। अगर मेरे को ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करना है तो क्या कंडीशन होना चाहिए, ए प्लस ए डेज मस्ट बी इक्वल टू ए प्लस ए डेज का डेज। ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यू है, तो यहां से हम लोग देखते हैं इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। ए प्लस ए डेज क्या है, 2 1 1 1 1 1 4, तो इसका मैं ट्रांसपोज निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 11 यहाँ, ये 11 यहाँ चले जाएगा और 14। तो क्या है यहाँ पे ए प्लस ए डेज का जो वैल्यू है वो ए प्लस ए डेज के ट्रांसपोज के बराबर, मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ। ठीक है, सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं, स्क्यू मैट्रिक्स निकाल सकते हैं ए माइनस ए डेज। बस यहाँ पे क्या फर्क आएगा, वैल्यू सेम आएगा, सिर्फ यहाँ नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, तो वो आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ए इनवर्स फाइंड आउट करना। ठीक है, तो ए इनवर्स फाइंड आउट करने के दो तरीके हैं, या तो हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करके निकाल सकते हैं, या फिर दूसरा हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन मॉड्यूलस ए इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, यहां से भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हमको क्वेश्चन में बोला है कि बाय यूजिंग द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, तो हम लोग यहाँ पे एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, सिंपल से क्वेश्चन देखते हैं 2 बाय 2 ऑर्डर का, फिर हम लोग करेंगे इसमें 3 बाय 3 ऑर्डर का। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने से पहले कुछ चीजें बता देना चाहता हूं मैं आपको। हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में कि ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, आई होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैं यहां से ए इज इक्वल टू क्या ले सकता हूं, आई अपॉन में ए इनवर्स, और ए इज इक्वल टू आई इंटू ए, ये लिख सकता हूं। ठीक है, तो हमको क्या करना है, एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करेंगे, उसको इसी फॉर्म में अरेंज करना है। ठीक है, तो जैसे मेरा पहला मैट्रिक्स दिया हुआ है ए इज इक्वल टू 1 माइनस 1 2 3 इज इक्वल टू, आई मतलब क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये मैट्रिक्स कितने क्रॉस का है, 2 क्रॉस 2 का, तो वो भी क्या रहेगा, 2 क्रॉस 2 का। और यहां पे हम लोग ए को एज इट इज रहने देते हैं। ठीक है, हमको करना क्या है, सिंपली यहां पे 1 रखना है, यहां 0 लेके आना है, यहां 0 लेके आना है, और यहां 1 रखना है। ठीक है, मतलब इस साइड को मेरे को क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग ऑपरेशन यूज कर सकते हैं, जैसे मैं अगर स्टार्ट करूं रो ऑपरेशन से, तो इसमें रो और कॉलम ऑपरेशन हम लोग एक साथ नहीं लगा सकते। अगर मैं रो ऑपरेशन लगा रहा हूं तो सिर्फ रो ऑपरेशन करके आगे सॉल्व करूंगा, अगर कॉलम ऑपरेशन से सॉल्व करूं तो सिंपली कॉलम ऑपरेशन से ही सॉल्व करते जाऊंगा। ठीक है, तो मैं यहां पे सबसे पहला चीज क्या कर सकता हूं, R1 में ऑपरेशन मेरा क्या है, R1 टेंस टू, मतलब R1 में चेंज कर रहा हूं R1 माइनस R2। ठीक है, तो ये जो ऑपरेशन कर रहा हूं क्या होगा, मेरे दोनों साइड अप्लाई होगा, तो R1 माइनस R2 मतलब क्या है, 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4, और सेकेंड रो मेरा क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा।
इधर भी करूंगा तो 1 माइनस 0 मतलब 1, 0 माइनस 1 मतलब माइनस 1, और ये 0 1 इंटू ए मेरा सेम रहेगा। ठीक है, ये निकल गया। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे 0 लेके आना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ऑपरेशन क्या लगा सकते हैं, आर टू में चेंज आर टू प्लस 2R1, क्योंकि यहाँ प्लस 2 है। अगर यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, तो ये यहाँ क्या हो जाएगा, मेरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो करते हैं R1 तो एज इट इज रहेगा, R2 प्लस 2R1 मतलब 2 माइनस 2 मतलब यहाँ आ गया 0, यहाँ कितना हो जाएगा 3 माइनस 4 इंटू 2 मतलब 8 मतलब माइनस 5 इज इक्वल टू, इधर भी R1 तो एज इट इज रहेगा, R2 में चेंज करेंगे प्लस 2R1 तो 0 प्लस 2 कितना हो जाएगा 2, और यहाँ करूँगा तो माइनस 1। ठीक है, यहाँ 0 आ गया। अब क्या कर रहे हैं मेरे को, मैं पूरे मैट्रिक्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, दोनों साइड अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस 4 सॉरी प्लस 1 प्लस 4 0 5 इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 इंटू ए, ये हो गया। यहाँ पे 0 आ गया, अब यहाँ भी लाने में को 0 लेके आना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या ऑपरेशन कर सकते हैं, सिंपली यहाँ तक हो गया। आगे देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मेरे को 1 लेके आना है, तो मैं क्या करता हूँ R2 में चेंज करता हूँ R2 डिवाइड बाई 5, तो R1 तो मेरा सेम रहेगा 0 डिवाइड बाई 5 मतलब 0, 5 डिवाइड बाई 5 मतलब यहाँ आ गया 1 इज इक्वल टू यहाँ माइनस 1 प्लस 1 माइनस 2 अपॉन 5 और 1 अपॉन 5। ऑपरेशन क्या है मेरा, R2 में चेंज किया, R2 को 5 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब मेरे को सिंपल क्या करना है, यहाँ 0 लेके आना है, तो मैं अब ये क्या कर सकता हूँ, ऑपरेशन R1 माइनस 4 R2 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, 1 माइनस 0 मतलब 1, 4 माइनस 4 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दूंगा तो 0 0 और 1। ठीक है, इस साइड क्या है, माइनस 1 क्या करना है मेरे को, R1 माइनस 4 R2 मतलब मैं लिख लेता हूँ माइनस 1 माइनस 4 R2 मतलब यहाँ पे माइनस 8 अपॉन 5, तो माइनस 1 ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 8 अपॉन 5, तो ये कितना हो गया, माइनस 5 प्लस 8 अपॉन 5 मतलब 3 अपॉन 5, तो यहाँ आ गया मेरा 3 अपॉन 5। सिमिलरली हम लोग इसको क्या सॉल्व कर सकते हैं, 1 माइनस 4 R2 मतलब 4 बाई 5, तो ये आ जाएगी, इसको सिंपली सॉल्व करूंगा तो 1 बाई 5, तो यहाँ आ गया 1 बाई 5, और यहाँ क्या है माइनस 2 बाई 5, यहाँ क्या है 1 बाई 5। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ। अब हम लोग क्या जानते हैं, a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू i, यहाँ पे मेरे पास क्या है इंटू ए इंटू ए, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, देखो क्या जानते हैं हम लोग, a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू i। ठीक है, तो इस साइड मेरा क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यहाँ पे ऑलरेडी है, तो ये जो बचा हुआ a का जो कोएफिशिएंट, यही मेरा क्या होगा, इसके हिसाब से a इनवर्स होगा, तो यहाँ से a इनवर्स क्या हो जाएगा मेरा, सिंपली क्या लिख सकता हूँ मैं, a इनवर्स इज इक्वल टू क्या आया वैल्यू, 3 बाई 5 1 बाई 5 माइनस 2 बाई 5 और 1 बाई 5, ये हो गया मेरा सिंपल आंसर। ठीक है, ये 2 बाई 2 मैट्रिक्स का। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या था, 3 बाई 3 मैट्रिक्स का है, तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, 2 2 3 क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2 माइनस 3 3 2 2 3 3 माइनस 2 2, इसको क्या करना है, हमको एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करके इसको क्या करना है, इसका ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई,
तो ए इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, आई इंटू ए लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंपली पुट कर देते हैं वैल्यू, 2 2 3 माइनस 3 2 माइनस 2 3 3 2, ये हो गया ए का वैल्यू। इस साइड क्या है आई, तो ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स का है, 3 बाई 3 का। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो रहेगा वो कितना का रहेगा, 3 बाई 3 का इंटू ए, ठीक है। ये ऑर्डर मेरा कितना है, 3 बाई 3 का। अब क्या करना है, सिंपली मेरे को जो लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू है उसको क्या बनाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1, ऊपर में 0 और नीचे में 0 लेके आना है बाय यूजिंग रो ऑपरेशन या फिर कॉलम ऑपरेशन, ठीक है। हम लोग यहाँ पे रो ऑपरेशन यूज करके सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या दिख रहा है यहाँ पे, 2 2 और 3। तो अगर मैं R1 में चेंज करूँ, R1 प्लस R2 कितना हो जाएगा, 4, 4 माइनस 3 करूंगा तो कितना मिल जाएगा यहाँ पे, 1। मतलब एक काम मेरा यहाँ से इजी हो गया, अगर एक बार यहाँ 1 आ गया तो मैं बाकी नीचे दोनों को क्या कर सकता हूँ, इजीली 0 बना सकता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला ऑपरेशन क्या करते हैं, R1 में चेंज, R1 प्लस R2 माइनस R3, देखते हैं क्या मिलेगा। R1 प्लस R2 करने से क्या दिया हुआ है, 2 माइनस 3 3 2 2 3, इन दोनों को ऐड करने से क्या मिलेगा, 4 माइनस 1 और 6। इसमें सब्ट्रैक्ट क्या करना है मेरे को, थर्ड रो को, तो -3 2 2, तो यहाँ +1, यहाँ कितना बच जाएगा, इसको माइनस कर दूंगा तो मैं माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ +1 बच जाएगा, यहाँ कितना बच जाएगा, 4, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, वो ऑपरेशन लगा सकते हैं। तो R1 में चेंज किया, R1 प्लस R2 माइनस R3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरा वैल्यू जब इसको मैं सॉल्व करूंगा, तो R1 प्लस R2 को कितना आया था, 1 1 4, तो मैं सीधा लिख दे रहा हूँ 1 1 और 4। जैसे मैं इस तरफ किया, बाकी तो सेकेंड रो और थर्ड रो में कोई चेंजेस नहीं किया हूं, तो मैं इसको एज इट इज लिख दूंगा। इस साइड भी करना पड़ेगा, तो R1 प्लस R2 मतलब 0 प्लस 1 1 माइनस 0 1, 0 प्लस 1 1 माइनस 0 मतलब 1, 0 प्लस 0 0 माइनस 1 मतलब यहाँ पे आ जाएगा -1, 0 1 0 0 0 1 इंटू ए। अगर एक बार यहाँ 1 आ गया तो मैं बाकी इन दोनों को क्या कर सकता हूँ, 0 इजीली बना सकता हूँ, ठीक है। देखते हैं कैसे, R2 में चेंज कर रहा हूँ मैं, R2 में क्या है, 2, यहाँ क्या है, 1, तो मैं 2 का मल्टीप्लाई करके R1 के साथ माइनस कर सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ देख लेते हैं हम लोग क्या है मेरा, जो जिस सबसे पहले याद रखना, जिसमें चेंज कर रहा हूँ वो सबसे पहले रहेगा। जैसे R2 में चेंज करना, तो R2 सबसे पहले था, R1 में चेंज किया तो R1 सबसे पहले था, ठीक है। तो ये बात ऑपरेशन अप्लाई करते समय याद रखिएगा। तो R2 का वैल्यू क्या है, 2 2 3, और R1 का वैल्यू क्या है, उसको -2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये क्या है, -2 -2 -8, -2 -2 और -8, यही मिल जाएगा मेरे को। तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 0 0, यहाँ कितना बचेगा, -5। यहाँ तक आ गया, आगे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वैल्यू को मैं वहां पे एज इट इज लिख देता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो जो वैल्यू आया मेरा, मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, क्या क्या आया मेरा, 0 0 -5। तो इसको मैं लिख लेता हूँ, R1 में तो कोई चेंज नहीं किया हो, तो R1 मेरा क्या रहेगा, जैसा है वैसा, तो 1 1 4। R2 में चेंज किया हो तो क्या आया था, 0 0 और -5। R3 में अभी कोई चेंजेस नहीं किया हो तो वो सेम रहेगा, इधर भी मेरा R1 क्या रहेगा, सेम रहेगा। यहाँ R2 में चेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए, 0 -2 R1, मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे -2 आ जाएगा। यहाँ पे 1 -2 करूंगा तो -1, 0 ऑलरेडी माइनस है, ये माइनस नहीं, माइनस प्लस, तो यहाँ +2, 0 0 1 इंटू ए, ठीक है। यहाँ तक आ गया समझ में, यहाँ अब क्या कर सकता हूं मैं, यहां से इसको 0 बनाना है, R3 में चेंज कर देता हूं मैं, R3 यहाँ +3 है,
तो यहाँ क्या है, वन है तो मैं क्या कर सकता हूँ, थ्री का मल्टीप्लाई करता हूँ और आर वन में और माइनस कर सकता हूँ, तो ये 3 - 3 यहाँ 0 आ जाएगा मेरा। ठीक है, तो करके देखते हैं क्या आता है। R3 - 3R1 मतलब R3 का वैल्यू है -3R1, मतलब क्या हो जाएगा, -3 - 3 और -12, -3R1 मतलब -3 - 3 -, ठीक है। तो ये हो गया 0, ये हो गया -5, ये हो गया मेरा -10, तो 0 - 5 - 10। तो अगले में लिख लेता हूँ, अगले स्टेप में इसको मैं R1 और R2 तभी 1 1 4 सेम रहेंगे, 0 0 -5 क्या वैल्यू आया था हमारा, 0 - 5 - 10। ठीक है, तो इस साइड का भी R1 और R2 सेम रहेंगे, क्या चेंज क्यों मैं R3 में चेंज क्यों, -3R1, तो 0 - 3 0 - मतलब फिर यहाँ क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ 1, यहाँ माइनस है, यह माइनस, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ +4 × a। ठीक है, यहाँ तक आगे समझो, आगे देखते हैं इसके आगे के स्टेप। ठीक है, क्या आया था हमारा मैट्रिक्स, उसको लिख लेते हैं, 1 1 4 0 0 -5 0 -5 -10 = 1 1 -1 -2 1 2 -3 -3 2 a। यहाँ 0 आ गया, इसको 0 बनाना है और यहाँ 1 करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, जो मेरा R3 है उसमें मैं क्या चेंजेस कर सकता हूँ, R3 को मैं पूरे 5 से डिवाइड कर देता हूँ, -5 से। ठीक है, तो क्या मिलता है देख लेते हैं, 1 1 4 0 0 -5 यहाँ करूँगा तो 0, ये माइनस कैंसिल, और 5 5 मतलब 1, यहाँ आ जाएगा +2 = 2। इधर तो R1 हमारा सेम रहेगा, यहाँ पे क्या है R3 में चेंज क्यों हूँ, -5 से डिवाइड कर दिया, ये माइनस प्लस, तो यहाँ आ जाएगा 3/5, यहाँ क्या आ जाएगा 3/5, यहाँ क्या आ जाएगा -4/5 × a। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ 0 बना सकता हूँ R1 - R3 करके, तो R1 में चेंज कर देता हूँ मैं R1 - R3, तो 1 - 0 1 1 - 1 0 4 - 2 + 2, और ये दोनों मेरे क्या रहेंगे, 0 1 2 = 1 - 3/5। ठीक है, 1 - 3/5 देख लेते हैं, 1 - 3/5 कितना आता है, 5 2/5 आता है। ठीक, तो वैल्यू को मैं यहाँ लिख देता हूँ 2/5, यहाँ भी करूँगा तो 2/5, यहाँ क्या है, उसके बाद मेरे पास क्या वैल्यू है, -1 और ये माइनस मिलके +4/5, तो ये कितना हो जाएगा, -5 + 4/5 मतलब 1 - 1/5। ठीक है, और R2 को मैं सेम लिख देता हूँ, R3 को भी सेम देता हूँ। ठीक है, अच्छा अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे यहाँ 1 आ गया, यहाँ तो 1 हम लोग ला सकते हैं, इसको 0 बनाना है। ठीक है, और इसको भी 0 बनाना है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, R2 में चेंज कर देते हैं
आर टू प्लस आर वन प्लस आर थ्री, ठीक है। एक मिनट, ये ऑपरेशन नहीं करते हैं, उससे इजी हमारे पास क्या है, आर टू में चेंज कर देता हूँ मैं, माइनस आर टू डिवाइड बाई फाइव, फाइव से डिवाइड कर देता हूँ माइनस फाइव से, तो आर वन मेरा क्या रहेगा सेम, जीरो डिवाइड बाई फाइव मतलब जीरो, जीरो डिवाइड बाई फाइव मतलब जीरो, माइनस फाइव डिवाइड बाई माइनस फाइव मतलब प्लस वन, जीरो वन टू, ठीक है। इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, टू बाई फाइव, टू बाई फाइव माइनस वन बाई फाइव, ये हो जाएगा माइनस टू बाई फाइव, वन बाई फाइव, टू बाई फाइव, थ्री फाइव, थ्री अपॉन फाइव माइनस फोर अपॉन फाइव इंटू ए, ठीक है, ये हो गया। अच्छा अभी क्या है, इसको जीरो बनाना है और यहाँ वन लेके आना है, तो हम लोग अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक चीज यहाँ वन चाहिए तो मैं आर टू में चेंज कर, आर टू और आर थ्री को इंटरचेंज कर देता हूँ, मतलब इसको यहाँ लिख देता हूँ, इसको यहाँ लिख देता हूँ, तो वन जीरो टू, ये जीरो वन टू, जीरो वन टू, जीरो जीरो, जीरो जीरो वन, इस साइड मेरा आर वन तो सेम रहेगा, आर टू और आर थ्री को चेंज करूंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, थ्री अपॉइंट फाइव, थ्री अपॉइंट फाइव माइनस फोर बाई फाइव, और यहाँ माइनस टू बाई फाइव, वन बाई फाइव और टू बाई फाइव इंटू ए, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। यहाँ वन आ गया, यहाँ वन आ गया, यहाँ वन आ गया। अब सिंपली क्या कर रहे हैं, सिर्फ मेरे को इसको जीरो बनाना है और इसको जीरो बनाना है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, सबसे पहला ऑपरेशन आर वन में चेंज करता हूँ माइनस टू आर थ्री, क्योंकि यहाँ प्लस टू है, यहाँ वन है, तो मैं अगर यहाँ एक बार वन आ गया तो इन दोनों को मैं इजिली जीरो बना सकता हूँ, तो टू आर थ्री करके जीरो बना सकता हूँ। दूसरा ऑपरेशन आर टू में चेंज करके क्या कर सकता हूँ, सिमिलरली यहाँ भी टू है तो आर टू माइनस टू आर थ्री, याद रखिएगा एक बार एक मैट्रिक्स में हम लोग दो ऑपरेशन एक साथ लगा सकते हैं, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा मेरे को यहाँ, वन वन माइनस जीरो मतलब जीरो, जीरो माइनस जीरो मतलब जीरो, टू माइनस टू करूंगा तो जीरो, जीरो माइनस जीरो मतलब जीरो, वन माइनस जीरो मतलब वन, टू माइनस टू मतलब जीरो और जीरो जीरो वन, ठीक है। इस साइड आर वन माइनस टू आर थ्री, यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन हम लोग का थोड़ा सा देख लेते हैं, माइनस प्लस का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्या है हमारे पास, आर वन का वैल्यू है टू बाई फाइव, टू बाई फाइव माइनस टू आर थ्री, तो यहाँ ऑलरेडी माइनस है, ये माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, और टू टाइम्स फोर अपॉन फाइव, ठीक है, यही हो जाएगा मेरा। तो फिर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, फाइव, ये सिक्स अपॉन फाइव लिख सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है। तो ये आ गया मेरा सिक्स अपॉन फाइव, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे हम लोगों से एक छोटी सी गलती क्या हो गई कि हम लोगों ने जब यहाँ पे आर टू माइनस टू आर वन किया तो क्या हो जाएगा, जीरो माइनस टू मतलब तो माइनस टू आ गया, जीरो माइनस मतलब यहाँ पे माइनस साइन लिखना भूल गया था, तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा और यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा। उसके बाद दूसरी गलती हम लोग से तो क्या हो गई, आर टू में हम लोग चेंज किया आर टू डिवाइड बाई माइनस फाइव, तो ये माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो प्लस टू बाई फाइव, ये माइनस वन बाई फाइव और ये माइनस टू बाई फाइव, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इंटरचेंज किए थे यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ठीक है। तो माइनस प्लस की गलती को थोड़ा सा अच्छे से करिएगा, ठीक है, क्योंकि गलती यहाँ होती है माइनस प्लस में। तो अब क्या हो जाएगा मेरा पास ऑपरेशन क्या है, आर वन माइनस टू आर थ्री मतलब टू बाई फाइव माइनस, ये प्लस साइन है ना, माइनस टू इंटू आर थ्री मतलब टू बाई फाइव मतलब टू बाई फाइव माइनस फोर बाई फाइव करूंगा तो माइनस टू बाई फाइव, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस टू बाई फाइव। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, टू बाई फाइव माइनस टू बाई फाइव, क्योंकि टू से मल्टीप्लाई कर करूँगा तो ये टू बाई फाइव, तो यहाँ क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा। यहाँ कितना है माइनस वन बाई फाइव और माइनस टू आर थ्री मतलब ये माइनस और ये माइनस प्लस, तो माइनस प्लस
फोर अपॉइंट फाइव, तो यहाँ कितना आ जाएगा, थ्री बाई फाइव, ठीक है। उसके बाद आर टू में क्या चेंज किया, आर टू माइनस टू आर थ्री, तो थ्री बाई फाइव माइनस टू आर थ्री मतलब फोर बाई फाइव, तो यहाँ आ जाएगा माइनस वन बाई फाइव। सिमिलरली इसको सॉल्व करूँगा तो क्या आप रब कर सकते हैं, ठीक है, तो थ्री बाई फाइव। एग्जाम में भी आप पीछे रब करके ही करें, क्योंकि ये सब कैलकुलेशन जो प्रेजेंटेशन के लिए कर, ये जो यहाँ पे छोटी मोटी गलती होती है माइनस प्लस की वहाँ नहीं होगी, और प्रेजेंटेशन एग्जाम में अच्छे से रखिए, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, आर टू माइनस टू आर थ्री मतलब ये थ्री बाई फाइव माइनस टू आर थ्री मतलब टू बाई फाइव, तो ये आ जाएगा प्लस वन बाई फाइव, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये माइनस फोर बाई फाइव, और ये माइनस प्लस, तो प्लस फोर बाई फाइव, तो मैं कैंसिल होकर क्या मिल गया, जीरो। और आर थ्री का वैल्यू मेरा क्या रहेगा, सेम रहेगा इन टू, ठीक है। आगे समझ, अब हम लोग क्या जानते हैं, इसको लिख देते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 100 010 001, और हमारी इधर वैल्यू क्या आई है, माइनस टू बाई फाइव जीरो थ्री बाई फाइव, जो हमारे पीछे वैल्यू आया था उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, 100 010 001 इज इक्वल टू माइनस टू बाई फाइव जीरो थ्री बाई फाइव, और यहाँ पे माइनस वन बाई फाइव प्लस वन बाई फाइव जीरो टू बाई फाइव माइनस वन प्लस वन बाई फाइव, ठीक है, माइनस टू बाई फाइव। तो हम लोग क्या जानते हैं, आई इज इक्वल टू ए इनवर्स इन टू ए होता है, तो यहाँ पे ए ऑलरेडी है, तो ये जो बचा ये क्या है हमारा, ए इनवर्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो ये है, तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा हमारा, माइनस टू बाई फाइव जीरो थ्री बाई फाइव माइनस वन बाई फाइव वन बाई फाइव जीरो टू बाई फाइव वन बाई फाइव माइनस टू बाई, ये है हमारा आंसर, ठीक है। आई होप आप सब लोगों को मैट्रिक्स मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना आ गया होगा, ठीक है। एक बार और हम लोग ब्रीफली देख रहे थे कि क्या क्या करना है। सबसे पहले जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन है उसको क्या लिखेंगे, हम किस फॉर्म में लिखेंगे, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, और यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, ए इज इक्वल टू ए इंटू आई, ठीक है, इस फॉर्म में लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, जो मैट्रिक्स के वैल्यू दी है उसको हम लोग यहाँ पे एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग को लेफ्ट हैंड साइड को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है। तो वहां पे हम लोग या तो रो ऑपरेशन यूज कर सकते हैं या फिर कॉलम ऑपरेशन यूज करके बना सकते हैं। याद रखिए कि दोनों ऑपरेशन हम लोग एक साथ यूज नहीं कर सकते, मतलब एक बार रो एक बार कॉलम एक बार कॉलम एक बार रो नहीं कर सकते, ठीक है, याद रखिए इस चीज को। उसके बाद इस ए को एज इट इज रखना है, ठीक है। तो इसके बाद अगर मेरा लेफ्ट हैंड साइड का जो वैल्यू मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, तो जो ए का जो भी कोफिशियंट मिलेगा मेरे को, क्या जानते हैं हम लोग, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, तो अगर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आई इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए, तो अगर मेरा लेफ्ट हैंड साइड मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, ठीक है, और राइट हैंड साइड में ए को मैं एज इट इज रखा, तो जो ए का जो कोफिशियंट रहेगा जो मैट्रिक्स के फॉर्म में रहेगा वही मेरा क्या हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।